जी अब मैं जो मॉडल जो कोर्स आपको बताने जा रहा हूँ वो है एम का कौमी असम्बली का जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जो है ना सुबाई असम्बली यूनी कौंसल बारह से पंद्रह होती हैं और ऐसे ही एम एन ए की पच्चीस से तीस अट्ठाईस यूनी कौंसल उसके हल्के में आती हैं वही प्रोसेस जो मैंने आपको पीछे बताया है वो एम एन ए के लिए भी आप करेंगे अब एम एन ए है क्या एम एन ए वो हैं सुबाई जो मैंने पीछे आपको मॉडल बताया है। वो सूबाई वजीर कढ़ाते हैं कुछ उसमें से वज़ारतें मिल जाती हैं उनको वो फिर सुबाई वजीर कह हैं जब एम एन ए बन के इनको वज़ारत मिलती है तो वफाकी वज़ीर कढ़ाते हैं वजीर तलीम वफाकी वजीर सेहत वफाकी आपने सुना होगा ये नाम तो आपके जहन में होंगे यूथ के तो ये जो सूबाई है वो सब को कवर करता है जो एम एन ए है जो वफाकी वजीद होता है वो पूरे पाकिस्तान को आ, डील करता है पूरे पाकिस्तान के मुकदर बदल देता है वो अगर वो काम करना चाहे अच्छे करना चाहे काम जैसे कि आपके इलाके में तरक्याती काम होते हैं बजट लेके आना फिर गैस पाइपलाइन लाइन किस इलाके में गैस पाइपलाइन लेके आना फिर जो भी कानून साजी होती है वह असम्बली में होती है तो क्यों ना कानून साजी करने के लिए चाहे वो तलीमी नज़ाम में हो एक नसाब के लिए चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ अच्छी आपको चाहिए चाहे वो आईटी का सिस्टम आपको अच्छा चाहिए चाहे आपको पाकिस्तान का जो बेसिक नेटवर्क है वो ठीक चाहिए तो आपको उस सिस्टम को समझना होगा और कौमी असम्बली में बैठना होगा आप बैठेंगे आप बैठेंगे ये बैठेगा तो तब सिस्टम ठीक होगा तब असम्बली में आप जैसे लोग जाएंगे वहाँ बात करेंगे आवाज़ उठाएंगे, बिल पेश करेंगे तो पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा अब आप, आप देखिए कितने एम एन ऐसे हैं जो असम्बली में आपके हल्के की आवाज़ उठाते हैं चेक कर लीजिएगा कितने जो ऐसा बिल पेश करते हैं कि आपके इलाके के मसाइल बहुत कम हैं, बाकी ये आप खैर अपनी बहस वापस होता रहता है असम्बली में तो आपने समझ लिया कि आप एम एन ए का इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं जो मॉडल मैंने आपको यूसी दिया सुबह इस एम पी ए का दिया सेम मॉडल वो एम एन ए पर भी आ गया चूँकि वहाँ यू सी थी चौदह से पंद्रह अब पच्चीस से पैंतीस हो गई यहाँ तो सेम आपकी टीम नेटवर्क आपको बड़ा चाहिए आपको पोलिंग पे बूथ पे खड़े करने के लिए खवान भी चाहिए आपको पोलिंग बूथ पे खड़े करने के लिए लड़के भी चाहिए आपको फिस चेक करने के लिए वोट चेक करने के लिए भी टीम चाहिए आपको जो मैंने बताया कि आपके इलाके से शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे हल्के में उनको आपका टीम वहाँ से उठा के और पोलिंग बूथ तक लेके आएगी वोट कास्ट करवाएगी एक और पॉइंट नोट कीजिएगा जो वोट आपका हल्का छोड़ के दूसरे हल्के में चला गया है उसने वोट चेंज नहीं किया वो आपका पक्का वोट है जहन में रखिएगा अगर आपको वो मिल जाए अगर आप उसको अपना मैनिफेस्टो सुनाने में और समझाने में कामयाब हो जाए अगर आप बता दें कि मैं इस काबिल हूँ मैं कर सकता हूँ अगर आप मुझे मौका दें तो वो वोट पक्का आपका है दूसरा वोट मैंने पहले बता दिया उस वोट को कैंसिल करवा दें जो फोत हो चुका है इस दुनिया से जा चुका है अगर आप कैंसिल नहीं कराएंगे तो वो वोट कोई और कास्ट कर जाएगा तो इन चीज़ों पे आपने गहरी नज़र रखनी है आपने हल्का में आपने गहरी नज़र रखनी है आपने एक मजबूत टीम बनानी है इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ा जा सकता है अगर आपके पास अच्छी टीम है